दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत बेस्ट टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों को वाइट पैचेस, लिकोडर्मा विटिलिगो या शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है, ये टेक्निक्स बहुत ज़बरदस्त काम करती है। दोस्तों, आपको अपनी इम्यूनिटी को अगर बूस्ट कर लेते हैं तो आपके शरीर की सभी बीमारियाँ, किसी भी तरह की पुरानी से पुरानी बीमारी हो, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो या सेकेंड स्टेज में हो या फिर थर्ड स्टेज में, बहुत तेज़ी से ठीक होने लग जाती है। लेकिन अब आप अपनी इम्यूनिटी को अगर बूस्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करेंगे, ये टेक्निक्स बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स है। दोस्तों, पूरा मैं नियम से बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहला, शरीर का काम क्या होता है? शरीर के तीन काम होते हैं। एक तो खाना खाना, जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, उसके बाद खाने को पचाता, उसके बाद फिर क्या करता है, तीसरे नंबर पर आपका जो शरीर है, शरीर की कोशिकाओं का रिपेयरमेंट करता है। लेकिन रिपेयरमेंट करता कब है, इस चीज़ को, अगर आपका शरीर, जैसे आपने खाना खाया, उसकी प्रोटीन विटामिन को लिया, उसके बाद वो पचा लिया, अब वो प्रोटीन विटामिन आपके शरीर के अंगों तक वो पहुंचाएगा, त्वचा को पहुंचाएगा, आँखों को, लीवर को, किडनी को, वो कब पहुंचाएगा, जब आप रिलैक्स मोड में होंगे। लेकिन होता क्या है कि आप कभी रिलैक्स मोड में होते ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपका कोई खाने का नियम होता ही नहीं है। आपने कहीं सुबह खाया, फिर 10 बजे खा लिया, फिर 11 बजे खा लिया, फिर 2 घंटे के बाद खा लिया, फिर 3 घंटे के बाद, मतलब आप अपने शरीर में एक तरफ से डालते ही जा रहे हैं। तो आपका शरीर कम काम करता क्या, सिर्फ एक ही काम कर पाता है कि खाने का और पचाने का। लेकिन जो रिपेयरमेंट का होता है, आपके कोशिकाओं का, आपके सेल्स को, आपके बॉडी के रिपेयरमेंट का, वो टाइम आप कभी दे ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, रिपेयरमेंट का टाइम आप तभी देंगे जब आप फास्टिंग करेंगे। जब आप फास्टिंग मोड में होते हैं, उपवास या व्रत करते हैं, उस समय आपकी इम्यूनो सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी होती है, वो बहुत बूस्ट हो जाती है। क्योंकि उस समय आपका बॉडी रिलैक्स होती है और आपका जो शरीर है वो रिपेयरमेंट की प्रोसेस में होता है। मतलब आपकी त्वचा में जो भी कमी होती है उसको ठीक करने में तेज़ी से, आपका त्वचा का रंग कलर को तेज़ी से ठीक करने में सहायता करती है आपकी बॉडी, और आपके कोई भी शरीर में बीमारी है, रोग है, उसको ठीक करने में बहुत तेज़ी लाता है, क्योंकि उस समय रिपेयरमेंट का काम हो रहा था। आप कुछ खा नहीं रहते हो, लेकिन आपको फास्टिंग कैसे करनी है, आपको कम से कम हफ्ते में एक दिन फास्टिंग रखनी है। कैसे करनी है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। आप जब फास्टिंग करेंगे, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में आपको कम से कम 4 गिलास पानी पी लेना है, सुबह उठते ही उठते, मतलब नहाने के बाद। उसके बाद एक घंटे के बाद फिर आपको लौकी का जूस पीना है। फास्टिंग में एक घंटे के बाद लौकी का जूस पीना है, उसमें आपको पुदीना या तुलसी की, दोनों मिलाना है, पुदीना और तुलसी की कम से कम 7-7 पत्तियाँ मिलानी है, कम से कम, ज़्यादा से आप ज़्यादा 10-10 पत्तियाँ, कम से कम 7-7 पत्तियाँ मिलाना। ये मिक्स करके आपको लौकी के जूस में, फिर आपको पानी जो पीना है, वो पीने के बाद एक घंटे के बाद फिर आपको ये जूस पीना है लौकी का, एक घंटे के बाद। उसके बाद इसको पीने के बाद फिर आपको एक घंटे तक तो कुछ पीना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं। फिर आपको दोस्तों एक घंटे के बाद फिर आप गाजर या चुकंदर का मिक्स किया हुआ जूस पी सकते हैं एक गिलास। और जब भी आपको मान लीजिए भूख मिल लगती है, तो फिर आप फिर लौकी का जूस निकालकर शाम को भी पी सकते हैं। यही करना है उस 24 घंटे की फास्टिंग में। आपकी जो इम्यूनो सिस्टम है इतनी बूस्ट हो जाएगी, ये सिर्फ आप 2 महीने करके देखिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप 2 महीने करके देखिए, 2 महीने में देखेंगे आपकी जो भी बीमारी होगी, वाइट पैचेस हो या लिकोडर्मा या विटिलिगो हो, बहुत तेज़ी से ठीक होने लगती है, बहुत तेज़ी से। दोस्तों, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कोशिश करता हूँ बताने के लिए, जिससे आप अपनी बीमारी को बहुत तेज़ी से ठीक कर सकें। दोस्तों, ये हमारे जो भी टेक्निक्स होती हैं वो आयुर्वेदिक होती हैं, जिससे आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आप खुद को बहुत तेज़ी से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।